My name is Munish Sharma and today I will demonstrate a project on PI motion sensor based switch with Arduino. So ye simulation hum Proteus software pe karenge. Ye hamara ISIS Proteus software hai jispe hum hardware ke components ko place karke apne circuit ko simulate karke dekh sakte hain. Okay, so sabse pehle hum apna project open karenge. So here is our project. ये PIR motion sensor है, ये Arduino है और virtual terminal पे हम इसकी output को देखेंगे. Okay? तो इनकी libraries already pre-installed नहीं होती Proteus में, तो हमें ये libraries install करनी पड़ती है. ये libraries का folder मैंने already इसमें add किया file में. So ये जो है, ये PIR motion sensor है. तो physically हम इसके across एक इनपुट नहीं लगा सकते, एक इसको मोशन सेंस नहीं करवा सकते, बट हम यहाँ पर एक लॉजिक स्टेट यूज किया हमने, ये लॉजिक स्टेट इसकी चेंज करेगा, या फिर आप इसे पावर या ग्राउंड के साथ पुश बटन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, ये बेसिकली वन या जीरो लॉजिक देने के लिए. ओके, तो पावर, ग्राउंड एंड आउटपुट, ये जो PIR की आउटपुट है ये Arduino की सेकेंड नंबर पिन पे कनेक्टेड है, एंड RX-TX टर्मिनल्स जो है वो वर्चुअल टर्मिनल के साथ, ये इसका RX टर्मिनल इसके TX के साथ कनेक्ट होगा, इसका RX इसके TX के साथ. तो इस तरह से एक UART ब्रिज क्रिएट होगा इसमें सीरियल कम्युनिकेशन के लिए. ये बेसिकली Arduino का सीरियल मॉनिटर हम यहाँ से देख पाएंगे. सो इसके बाद हमें एक कोड करना होगा Arduino में, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है Arduino IDE. ये हमारा सॉफ्टवेयर है Arduino IDE, इसी में हम सारा कोड करेंगे Arduino का जो PIR मोशन सेंसर के साथ इसे सिमुलेट करे. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफाइन करना है पिन को. जो PIR पिन है, हमने हार्डवेयर में भी PIR की जो आउटपुट पिन है उसे पिन नंबर 2 पे कनेक्ट किया Arduino की. ओके, उसके बाद हमने कैलिब्रेशन टाइम, बेसिकली PIR मतलब पैसिव इंफ्रारेड रेज जो किसी ह्यूमन बॉडी या कुछ लिविंग ऑब्जेक्ट के अक्रॉस अगर कोई इंफ्रारेड रेज स्पेसिफिक वेवलेंथ की टकरा के वापस जाए तो मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा उन चीजों को, तो PIR मोशन सेंसर उसे ऑब्जॉर्ब करेगा तो हमें आउटपुट दिखाएगा. तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर क्रिएट किया, लॉन्ग असाइंड अनअसाइंड इंटीजर लो इन. ओके, उसके बाद हमने एक पॉज दिया, बेसिकली एक मोशन को सेंस करने के बाद मिनिमम 5 सेकेंड्स का पॉज हमें देना पड़ेगा ताकि वो एरर ना उठाए. उसके बाद हमने एक बुलियन एक्सप्रेशन लिया, लॉक लो, बुलियन मतलब दो स्टेट्स होंगी, ट्रू फॉल्स, वन जीरो, हाई लो, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद लॉक लो टेक लो टाइम जो है वो भी हमारा बुलियन है, इसकी वैल्यू हम बाद में सेट करेंगे. PIR वैल्यू जो है स्टार्टिंग में जीरो रहेगी, मतलब हम हार्डवेयर के थ्रू इसे प्रोग्राम के थ्रू इसे जीरो लो करवाएंगे. उसके बाद ये हाई कब होगी, जब ये इंफ्रारेड रेज PIR रेज को एब्जॉर्ब करेगा. उसके बाद बॉड सेटअप, इसमें हमने बॉड रेट असाइन किया 9600 जो कि हमारे सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट है और इसे हम वर्चुअल मॉनिटर पे भी देख सकेंगे, वर्चुअल टर्मिनल पे जो हमने Proteus में एड ऑन किया. ओके, उसके बाद पिन मोड जो है हमारी PIR पिन है वो इनपुट है, जो इनपुट हमारी PIR रेज के थ्रू लेगी. उसके बाद हमारा मेन फंक्शन वॉइड लूप PIR सेंसर हमने यहाँ पर रन करवा दिया, PIR सेंसर रन करवा दिया. उसके लिए void PIR सेंसर भी हमने असाइन किया ताकि ये जो रन हो रहा है PIR सेंसर वो यहाँ से अपनी वैल्यूज उठाए. यहाँ पर हमने इफ एल्स कंडीशन लगानी है, इफ डिजिटल रीड PIR पिन हाई, अगर हमारी डिजिटली रीड करेगा ये PIR पिन को, इन्फिनाइट लूप में ये रीड करता ही रहेगा, अगर हमारी PIR पिन हाई होती है, हाई कब होगी, जब ये PIR रेस को एब्जॉर्ब करेगा. उसके बाद एक और लूप है लॉक लो, अगर लॉक लो में हमारे पास PIR की वैल्यू जो हमारा बुलियन था वो 1 है और लॉक लो जो है वो फॉल्स है तो क्या होगा, सीरियल प्रिंट हो जाएगा हमारा मोशन डिटेक्टेड और उसके बाद डिले आएगा 50 मिलीसेकंड्स का. उसके बाद हम मैन्युअली इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू इस टेक लॉक लो टाइम को बुलियन था जो हमारा उसे ट्रू कर देंगे ताकि वो नई वैल्यू लेने के लिए स्टार्ट कर दे. उसके बाद अगर हमारी डिजिटल PIR पिन
इतने डिले देने के बाद अगर ये पिन लो हो जाती है तो क्या हो, ये नेक्स्ट कंडीशन को फॉलो अप करेगा, इफ टेक लो टाइम लो इन मिलीज। मिलीज एक फंक्शन है जो प्रोग्राम स्टार्ट होते ही अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करने लग जाता है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। उसके बाद टेक लो टाइम फॉल्स, उसके बाद ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ओके। तो इसे हमने पहले ट्रू किया था, अगर अब ये दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये फॉल्स है तो क्या करेगा, तो ये मिलीज के साथ इसे कंपेयर करेगा, लॉक लो एंड मिलीज। अगर ये माइनस करने के बाद लो इन जो हमारा स्टार्टिंग में हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, अगर वो पॉज से ज्यादा है, यहां पर हमने ग्रेटर देन की कंडीशन लगा दी, अगर वो पॉज से ज्यादा है तो पी आई आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और लॉक लो ट्रू हो जाएगा और हमारा मोशन जो है वो एंड हो गया, मतलब फाइनल हो गया हमें कि मोशन एंड हो गया। उसके बाद फिर से डिले लगेगा और इन दी एंड दोबारा से वर्ड लूप वाला प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट लूप में चलता ही रहेगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाके प्रेफरेंसेस या कंपाइलेशन वाला चेकबॉक्स क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कंपाइलेशन प्रोसेस देख सकें। कंपाइलेशन करने से आपको यहां पर एक हेक्स एड्रेस मिलेगा, उस हेक्स एड्रेस को आपको आर्डुइनो में अपलोड करना ताकि आप इसकी आउटपुट को देख सकें। तो यहां से आपको हेक्स एड्रेस कॉपी करना, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल है जहां पर वहां पर टेम्पररी फाइल होती है, तो इसे आपको हर बार अपलोड करके ही प्रोजेक्ट को चलाना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जैसे जीरो लॉजिक है, जैसे ही मैं बंद करूंगा तो हमारा मोशन जो है वो डिटेक्टेड यहाँ पर वर्चुअल टर्मिनल की आउटपुट विंडो पे हमें शो हो जाएगा। ओके, सो मोशन डिटेक्टेड। अब इसे हम जीरो कर दें अगर, तो उसी टाइम नहीं होगा, ये थोड़ा डिले देने के बाद मोशन एंटेड शो होगा। मोशन एंटेड। तो इस तरह से आप PIR मोशन सेंसर को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक अवर वीडियो, प्लीज गिव फीडबैक फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।